हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको देखिए ब्लाउज़ में साइड फिटिंग लगाना बताऊंगी। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट रहा है कि हम साइड में फिटिंग कैसे लगाएं। हम ब्लाउज़ तो स्टिच कर लेते हैं, लेकिन साइड में जो फिटिंग लगाते हैं तो उसमें क्रीज आते हैं, सलवटें पड़ती है और फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको देखिए यहाँ पर इसमें फिटिंग लगाना बताऊंगी। ब्लाउज़ देखिए मैंने कंप्लीट स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। नेक रेडी कर लिया है और नीचे से जो कमर पट्टी है वो आपको अटैच कर लेनी है। कम्प्लीट ब्लाउज़ यहाँ तक आपको इसमें देखिए ये बना लेना है। इसके बाद देखिए क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो इसका बीच सेंटर है इस तरीके से देखिए हमें बीच सेंटर से पकड़ना है और यहाँ पर हम चौक से इस तरीके से एक निशान बनाएंगे और यहाँ पर गले के पास यहाँ पर भी आपको देखिए बीच सेंटर में इस तरीके से एक निशान बना लेना है। इसके बाद देखिए जो भी आपका चेस्ट एंड कमर है इसका आपको चौथा भाग यहाँ पर लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में यहाँ पर कमर 32 इंच है, तो इसका चौथा भाग यहाँ पर हम देखिए 8 इंच लेंगे। 8 इंच पे मैंने निशान लगाया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें चेस्ट का भी चौथा भाग लेना है। चेस्ट हमारा यहाँ पर देखिए 38 इंच है, तो इसका चौथा भाग यहाँ पर 9.5 इंच है। लेकिन पीछे से मेरा गला देखिए यहाँ पर डीप नहीं होके ये बोट नेक है, तो इसमें आपको यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग देनी है। किसमें कितनी लूजिंग देनी है मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया हुआ है, आप वीडियोज़ देख सकते हैं। फिटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाया है और इन निशान्स को देखिए अब सीधा यहाँ पर हमें जॉइंट कर देना है। ये देखिए हमारी फिटिंग की जो निशान है वो भी एकदम सीधी आई है। तो इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड भी ये निशान इस तरीके से करते हुए लगा लेने हैं और इन लाइन को यहाँ पर इस तरीके से जॉइन कर देना है। इसके बाद देखिए स्लीव्स में कैसे निशान लगाना है वो भी आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से हमें बीच सेंटर से पकड़ते हुए जो भी आपके स्लीव्स की मोरी है उसका हाफ करके यहाँ पर ले लेना है। तो मोरी यहाँ पर 12 इंच है, तो हाफ मैंने 6 इंच लिया है और इस निशान को देखिए पहले एक बार ऐसे सीधा मिलाना है इस तरीके से। इसके बाद देखिए यहाँ पर हल्के से इस तरीके से बीच में से गोलाई करते हुए आपको ये स्टिच लगानी है। तो इससे क्या होगा, आपके स्लीव्स की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी, स्लीव्स ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगी। तो आपको ये जो फिटिंग की सिलाई है वो सीधी ना लगाते हुए हल्का सा यहाँ पर घुमाव देते हुए लगाना है। तो इसी तरीके से मैंने देखी दूसरी साइड भी ये फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या करना है। जो हुकाई पट्टी है यहाँ से हमें बीच सेंटर से मिलाते हुए एक बार आप ब्लाउज़ को चेक ज़रूर से कर लें कि जो हमारा फ्रंट और जो बैक पल्ला है वो एकदम बराबर होने चाहिए। अगर कहीं से ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप इसको कट करके बराबर कर लें। अगर ये छोटे बड़े होंगे तो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अभी देखिए फिटिंग की हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए जो कपड़े की राइट साइड है यहाँ पर हमें एक स्टिच लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर देखिए हम स्लीव से यहाँ से देखिए स्टिच लगाना शुरू करेंगे और ये स्टिच यहाँ तक लगा देंगे। गाइस, आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो स्टिच मैंने यहाँ पर देखिए लगा दी है और जो भी आप इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से हम कट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप नाखून लगाते हुए इसको एकदम सीधा कर लेना है इस तरीके से। देखिए अगर आप इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाओगे तो आपके ब्लाउज़ के जो फिटिंग की साइड है उसमें बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी, फिटिंग है बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरीके से देखिए ये क्रीज बना लेनी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये क्रीज बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो इसकी किनारी है यहाँ पर हमें एक स्टिच लगानी है। पहले आप फिटिंग की सिलाई जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं वो सिलाई आप यहाँ पर ना लगाएं और जो इसकी किनारी है ये स्टिच आपको यहाँ पर लगानी है किनारी के ऊपर। तो देखिए स्टिच लगा दी है, इससे क्या होगा जो हमारा बैक और फ्रंट पल्ला है वो एक जगह फिक्स हो जाएंगे इस तरीके से। देखिए बस अब क्या करना है, जो हमने फिटिंग के लिए निशान लगाए हैं इसके ऊपर हमें ये स्टिच अभी लगा देनी है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे बैक और फ्रंट जो दोनों पल्ले हैं वो एक जगह फिक्स हो जाएंगे और इसमें कहीं से भी ये इधर उधर नहीं खिसकेंगे, इससे हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी इस तरीके से। तो ये सिलाई मैंने लगा दी है।
और इसके बाद देखिए एक पैर का मार्जिन लेते हुए अंदर की ओर हमें एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा देनी है। तो इस तरीके से देखिए गाइस, आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई भी क्रीज इसमें नहीं आई है और इस तरीके से हमारी जो फिटिंग की सिलाई है वो एकदम परफेक्ट सीधी आई है। तो अभी इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड भी ये स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए गाइस, मैंने दोनों तरफ स्टिच लगा दी है, आप देख सकते हैं। और अभी देखिए इसकी जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो कट कर लेना है और इसके ऊपर हमें आयरन कर लेना है। गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। मैंने इस तरीके की डोरी वाली पाइपिंग के साथ डिज़ाइनर नेक रेडी करना बताया है, तो आप वीडियोज़ है वो चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।